बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कोर कोर्स। इस वीडियो में हम रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि रूट्स क्या हैं। रूट को हम बेस भी कह सकते हैं। ये किसी वर्ड का मेन पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इन द वर्ड अनएक्सेप्टेबल, इस वर्ड में एक्सेप्ट एक रूट वर्ड है और इसके पीछे जो अन इस्तेमाल किया गया है ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस किसी वर्ड के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं कोई नया वर्ड बनाने के लिए। और अगर इसी में हम एबल ऐड कर दें तो जो कि इसका सफिक्स होगा। सफिक्सेस किसी रूट वर्ड के बाद ऐड किए जाते हैं। तो इस वर्ड अनएक्सेप्टेबल में अन एक प्रीफिक्स है, एक्सेप्ट एक रूट वर्ड है और एबल एक सफिक्स है। इस वीडियो में हम रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, यानी एक रूट वर्ड से जो भी अल्फाज बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप बआसानी बहुत से अल्फाज सीख सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि शुरू में आपको वर्ड सीखने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे आपके लिए वर्ड सीखना, वोकैबुलरी डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत सारे वर्ड्स रूट्स के थ्रू सीखेंगे और इनको आप याद भी बआसानी कर लेंगे। मेरे नज़दीक ये सबसे बेहतर तरीका है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। तो चलिए हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूट वर्ड एम्बल को डिस्कस करेंगे। एम्बल एक लैटिन वर्ड एम्बुलेट से निकला, जिसका मतलब है टू वॉक अबाउट, यानी चलना या घूमना फिरना। इस रूट वर्ड से जितने भी नए वर्ड्स बनेंगे उनमें वॉक, रोम, वॉन्डर यानी घूमना फिरना या भटकना, इस तरह के मीनिंग्स आएंगे। हमारा पहला वर्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड लीड्स टू समथिंग एल्स। यानी कि प्रीएम्बल से मुराद किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले या कुछ लिखने से पहले जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। इसका सिनोनिम होगा प्रेफेस, यानी कि दिबाचा, जो कि बुक के शुरू में लिखा जाता है। यानी कोई भी एक राइटिंग या कोई भी एक बुक, फॉर एग्जांपल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बल। एम्बल को आप वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा स्लो इजी वॉक और टू वॉक एट अ स्लो इजी पेस, यानी आराम आराम से चलना। और व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन इट मींस अ स्लो इजी वॉक और अ एम्बलिंग गेट ऑफ अ हॉर्स, यानी के स्लोली और आराम से चलना, जैसे कि घोड़े की गेट होती है, घोड़े की चाल होती है, उस तरह चलना। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए है और इसकी अप्रोच मैंने सिंपल रखी है ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया है तो आपको याद होगा कि ओवरकोट में ये वर्ड इस्तेमाल हो चुका है एम्बल, और इसके सिनोनिम्स हैं रैम्बल, मियांडर, वॉन्डर, स्ट्रोल, रोम, स्ट्रे और रोव। अब इन सारे सिनोनिम्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये भी याद हो जाए। रैम्बल मीन्स वॉक फॉर प्लेजर इन कंट्री साइड, यानी कि देहाती इलाका या सब्जाजार में घूमना फिरना। फॉर एग्जाम्पल आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई स्पेयर टाइम रैम्बलिंग एंड क्लाइंबिंग, यानी कि मैंने अपना फारे वक्त ज्यादा देहाती इलाका में घूमने और क्लाइंबिंग करने में सर्फ किया। रैम्बल के सिनोनिम्स हैं हाइक, ट्रैम्प और बैकपैक, यानी क्लाइंबिंग करना या देहाती या पहाड़ी इलाकों में जाके घूमना फिरना। इस वर्ड को आप नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट फॉर अ रैम्बल, यानी कि मैं गया रैम्बल करने के लिए, यानी देहाती इलाका में या पहाड़ी इलाका में हाइकिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए। और इसका दूसरा मीनिंग प्लांट्स से रिलेटेड है, पुट आउट लॉन्ग शूट्स एंड ग्रो ओवर वॉल्स और अदर प्लांट्स, यानी किसी पौधे का दीवार के ऊपर फैल जाना या दूसरे पौधों के ऊपर फैल जाना। फॉर एग्जाम्पल रोजेस रैम्बल्ड ऑल ओवर द वॉल, यानी के गुलाब सारी दीवार के ऊपर फैल गए। द नेक्स्ट वर्ड इज मियांडर। इट इज रिलेटेड टू रिवर और रोड विच फॉलोज अ वाइंडिंग और कर्विंग कोर्स, यानी के बल खाती हुई सड़क या दरिया। फॉर एग्जाम्पल दिस रिवर इज मियांडरिंग थ्रू द माउंटेन्स, यानी कि ये दरिया पहाड़ों में से बल खाता हुआ जा रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जिग जैगिंग करते हुए जा रहा है या एक लूप की शक्ल में जा रहा है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे लूप और जिग जैग, या फिर बेंडिंग भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इसके अलावा आर्ट में या पेंटिंग में आप कभी कभार लूप की शक्ल में डिजाइंस देखते हैं, इनको भी मियांडर कहा जाता है। और जो इंसान घूमे फिरे या जिग जैगिंग करते हुए और भटके हुए चलता रहे या किसी डेस्टिनेशन के बगैर घूमता फिरता रहे उसे मियांडरर कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डर।
वॉन्डर मीन्स टू वॉक और मूव इन अ लेजरली और एमलेस वे, यानी फुर्सत के लम्हात में या बिला मकसद घूमते रहना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोल, इट ऑल्सो मीन्स एम्बल और वॉक। इसको आप वर्ब एंड नाउन दोनों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, यानी कि मैं रोड पर घूम फिर रहा हूँ। आई वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल, यहाँ पे स्ट्रोल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मैं घूमने फिरने के लिए गया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि स्ट्रोलर एक पर्सन को भी कह सकते हैं जो कि बिला मकसद घूमे फिरे, या फिर बेबी कैरिज को भी स्ट्रोलर कहा जाता है, और इसे पुश चेयर भी कहा जाता है, प्राम भी कहा जाता है, और कैरी कॉट भी। प्राम वर्ड को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एम्बल का नेक्स्ट सिनोनिम है रोम। रोम ऑल्सो मीन्स टू मूव अबाउट और ट्रेवल एमलेसली स्पेशली ओवर अ वाइड एरिया, यानी एक खुले एरिया में घूमना फिरना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रे, इट मीन्स वॉन्डर और रोम, यानी बिला मकसद घूमना फिरना या भटकते रहना। फॉर एग्जाम्पल, ओवर दीज माउंटन्स द शेफर्ड्स स्ट्रे, यानी इन माउंटन्स के ऊपर शेफर्ड घूमते फिरते हैं। इसका एक और भी मतलब है मूव अवे एमलेसली फ्रॉम अ ग्रुप और फ्रॉम अ राइट कोर्स और प्लेस, यानी एक जगह से भटक जाना। फॉर एग्जाम्पल, डॉग ओनर्स आर कंपेल्ड नॉट टू अलाउ देयर डॉग्स टू स्ट्रे, यानी कुत्तों के जो मालिक हैं उनको कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो अपने कुत्तों को भटकने की इजाजत ना दें। स्ट्रे वर्ड आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रे कैटल, यानी भटके हुए मवेशी, ये वर्ड आप क्लैरिंग इन द स्काई में पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रोव। रोव ऑल्सो मीन्स टू ट्रेवल कॉन्स्टेंटली विदाउट अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन, विच मीन्स वॉन्डर, यानी किसी मंजिल का तायुन किए बगैर घूमते फिरते रहना या फिर सफर करना। और जो शख्स बगैर किसी डेस्टिनेशन के घूमे फिरे उसे रोवर कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बलर। एम्बलर मीन्स वन हु वॉक्स एट अ स्लो इजी पेस और मियंटर्स, यानी ये एम्बल का ही नाउन है। इसका मतलब जो आहिस्ता से और आराम से चले उसे आप एम्बलर कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज शैम्बल। इट मीन्स टू मूव विद अ स्लो शफलिंग और ऑकवर्ड गेट। इस वर्ड में भी एम्बल रूट वर्ड है। आप एम्बल से इसको याद रख सकते हैं कि ये वॉकिंग के रिलेटेड है, यानी आहिस्ता से एक ऑकवर्ड सी चाल के साथ चलना, लाइक ज़ॉम्बीज। और इसका सिनोनिम है स्टम्बल। वॉकिंग टाइप्स के रिलेटेड जितने भी डिफरेंट वर्ड्स हैं उन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इसी प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेटरी। इट इज रिलेटेड टू वॉकिंग और मूविंग, बींग एबल टू वॉक और मूव, यानी के चलने फिरने के काबिल होना। Our sixth word is ambulance. Ambulance word भी Latin word ambulare से निकला है, जिसका मतलब है walk करना या move करना। First ambulances patients को medical facility के लिए एक जगह से दूसरी जगह move करने के लिए develop की गई, और ये 1700 में फ्रांस में नेपोलियन की आर्मी के सर्जन इन चीफ डोमिनिक योलेरे ने डेवलप की। उसने नोट किया कि ज्यादातर फौजी हॉस्पिटल्स आते आते मर जाते थे, इसलिए उसने डॉक्टर्स और जरूरी आलात का एम्बुलेंस के अंदर ही बंदोबस्त किया। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेट। इट इज रिलेटेड टू एम्बुलेंस। इट इज अ स्पेशली इक्विप्ड वैन फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिसेबल्ड पैसेंजर्स, यानी ये भी एम्बुलेंस की ही एक शक्ल है। ये एक ऐसे किस्म की एम्बुलेंस है जिसमें माजूर लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें व्हीलचेयर बआसानी एम्बुलेंस के अंदर जा सकती है, जबकि एम्बुलेंस में ये सहूलत मौजूद नहीं होती। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेट, विच मीन्स वॉक और मूव अबाउट, यानी चलना फिरना। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेस क्रचेस टू एम्बुलेट, यानी वो चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेटर। एम्बुलेटर मीन्स वन हु वॉक्स, यानी कोई भी एक आदमी जो चलता है। एम्बुलेटर शूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको शूज मिलते हैं, उनको एम्बुलेटर शूज कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेंट। एम्बुलेंट उस पेशेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है जो बेड पर कन्फाइंड हो, यानी बेड से ना उठ सकता हो या व्हीलचेयर से ना उठ सकता हो, लेकिन बाद में जब वो चलने लगे तो उसको एम्बुलेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कन्फाइंड टू व्हीलचेयर बट ही इज एम्बुलेंट नाउ, यानी कि पहले वो व्हीलचेयर तक महदूद था लेकिन अब वो चल सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेशन। एम्बुलेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एम्बुलेशन इज द अबिलिटी टू वॉक विदाउट नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, यानी बगैर किसी मदद के, बगैर क्रचेस के या बगैर एम्बुलेटर के चलना फिरना। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी इज एन एडजेक्टिव
इट कैन बी यूज्ड फॉर द थिंग्स विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, यानी ऐसी चीजें जिनको आप वॉकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेज डॉग फॉर एम्बुलेटरी एक्सरसाइजेज, यानी चलने फिरने की एक्सरसाइजेज के लिए वो कुत्ते को इस्तेमाल करता है. इट ऑल्सो मीन्स अ प्लेस फॉर वॉकिंग, स्पेशली एन आइल और क्लॉइस्टर इन अ चर्च, यानी चर्च में एक ऐसा आइल होता है, एक ऐसा दरमियानी रास्ता होता है जिसमें मंक्स वगैरह चल के जाते हैं, उसको एम्बुलेटरी भी कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैम्बुलेट, इट मीन्स टू ट्रेवल ओवर और थ्रू स्पेशली ऑन फूट, यानी कि पैदल सफर करना. इट ऑल्सो मीन्स टू वॉक टू इंस्पेक्ट और मेजर अ बाउंड्री, यानी कि एक बाउंड्री की पेमाइश करने के लिए चलना, इसको प्रैम्बुलेट कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैम्बुलेटर. A perambulator is old fashioned word for a baby carriage, यानी कि बेबी कैरेज, स्ट्रोलर, जैसे कि आप वर्ड पढ़ चुके हैं स्ट्रोल यानी घूमना फिरना, तो उसी से ये वर्ड बना स्ट्रोलर. इसको आप कैरीकॉट भी कह सकते हैं और perambulator भी कह सकते हैं, लेकिन perambulator old fashioned word है. इसकी abbreviated form है pram, यानी perambulator से pram word बना. द नेक्स्ट वर्ड इज circumambulate, इट means टू वॉक ऑल द वे round, यानी कि इर्द गिर्द या दायरे में घूमना. फॉर example, दे used टू circumambulate द कॉलेज वॉल, यानी कि वो कॉलेज की दीवार के गिर्द घुमा फिरा करते थे. द नेक्स्ट वर्ड इज somnambulant और somnambulist, इट means वॉकिंग और हैविंग अ हैबिट ऑफ वॉकिंग while स्लीपिंग, यानी के सोते हुए चलना. सोम भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है स्लीप. इस रूट वर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें स्लीप के रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं और जिनमें सोम आता है उनको हम डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्टैम्बुलिस्ट, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू somnambulant और somnambulist, अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीप, यानी सोते हुए चलना. सोम का मतलब है स्लीप और नॉक्ट का मतलब है नाइट, यानी कि somnambulist का मतलब है नींद में चलना, नॉक्टैम्बुलिस्ट का मतलब है रात में चलना यानी कि सोते हुए. दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं. और वो शख्स जो सोया हुआ ना हो बल्कि जाग रहा हो लेकिन उसकी आदत हो रात को घूमने फिरने की, तो उसके लिए एक और वर्ड है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीप, नाइट एंड ड्रीम के रिलेटेड वर्ड्स डिस्कस करेंगे. आवर नेक्स्ट वर्ड इज funambulist. फ्यून का मतलब है रोप, एम्बुलिस्ट मीन्स वॉकिंग, यानी कि टाइट रोप के ऊपर चलना, जैसे कि आप सर्कस में देखते हैं. ये कुछ वर्ड्स थे, इनको आप अपनी डायरी पर नोट कर सकते हैं, ये आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे पास है वैग, ये भी एम्बल के रिलेटेड है. इसका मतलब है वॉन्डर, मूव अराउंड, अनसेटल्ड और वॉन्डरिंग,